नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए। ट्यूसडे के दिन क्या हमें लॉन्ग साइड में पोजीशंस रखनी चाहिए या फिर शॉर्ट पोजीशंस हमें बनानी चाहिए फ्रेश। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो निफ्टी कमज़ोर बंद हुआ, ठीक है, 18,159 पे बंद हुआ है। एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी ज़्यादा वीक है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी में जो IT इंडेक्स है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। बैंक्स भी आज परफॉर्म नहीं किए थे, ठीक है। ओवरऑल फ्लैट था आज बैंकिंग देखे जाए तो। मेटल्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे, मेटल्स IT ये सब इम्पैक्ट कर रहा है निफ्टी को। तो सो ये डेली कैंडलस्टिक है निफ्टी का, ठीक है। और एक अगर देखेंगे तो ये राउंडिंग टॉप जो होता है, राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बना रहा है निफ्टी। ये राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था 18,000 के लेवल्स में। तो सो 18,000 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। यानी ये वीक के जो मंथली एक्सपायरी है इसमें 18,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है और स्ट्रांग सपोर्ट भी है। अगर 18,000 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हमें फर्स्ट वीक दिसंबर के जो कॉन्ट्रैक्ट है आप पुट ले सकते हो ऑप्शंस, ठीक है। 17,700, 17,800 तक भी आ सकता है अगर हमें 18,000 के नीचे क्लोज करें तो। सो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 18,000। कल इंट्राडे में ये भी हो सकता है कि 18,020, 18,025, ये 25 पॉइंट यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है कल। तो कल के लिए 18,025 से लेकर 18,000 अगर ये रेंज में अगर निफ्टी आती है तो आपको बाई करना चाहिए। सिर्फ 25 पॉइंट का रिस्क है, 18,000 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ठीक है। आप होल्ड कर सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 18,400 ये वीक में, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा बनेगा दोस्तों इसमें, ठीक है। और जिनको मतलब इंट्राडे फ्रेश पोजीशंस बनानी है, ठीक है, वो मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 18,000 में क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर क्लोजिंग बेसिस में 18,050 ये रेंज में अगर बंद होता है तो आप यहाँ पर BTST पोजिशनली बाई कर सकते हो निफ्टी को। जो इंट्राडे करना चाहेंगे, अगर कल फ्लैट खुलता है 18,100, अगर 50-60 पॉइंट्स गैप डाउन खुलता है तो आपको वहां पर बाय करना चाहिए, ठीक है। 100 पॉइंट्स का एसएल रहेगा 18,000 का और आपका क्लोजिंग बेसिस में जो यहाँ पर टारगेट मिल सकता है 18,150, 18,200, ये इंट्राडे में पॉसिबल है निफ्टी के लिए। और जो पोजिशनली बाय करना चाहते हो वो वेट कीजिए, 18,000, 18,050 ये 50 पॉइंट के रेंज में आप बाय कर सकते हो फॉर पोजिशनली। 50 पॉइंट का आपका रिस्क है, 18,000 का आपको स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। और जो इंट्राडे करते जैसे ओपन होता है 50-60 पॉइंट नीचे में जहां भी आपको मिलता है तो वहां पर आपको बाय करना है। 18,000 का इंट्राडे में भी स्टॉप लॉस रहेगा आपका और टारगेट्स रहेंगे 18,150, 18,200। ये है लॉन्ग साइड के लिए। और शॉर्ट साइड जो करते हैं उनको 18,159, ठीक है। अगर जिन्होंने होल्ड किया है पुट ऑप्शन से, फिर जिन्होंने शॉर्ट किया है वो जैसे 50-60 पॉइंट्स नीचे आता है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 18,200 का। ये आपको स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है फॉर टारगेट्स ऑफ 18,050, 18,000। जैसे 18,200 के ऊपर जाके सस्टेन करता है निफ्टी तो इंट्राडे में 18,300 पॉसिबल है और 100 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। तो जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस होल्ड किया है वो या तो स्टॉप लॉस लगा के 18,200 का होल्ड कीजिए और एल्स प्रॉफिट बुक कीजिए गैप डाउन में, 50-60 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यह रहा निफ्टी का व्यू। अब हम तो यह है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। दोस्तों बैंक निफ्टी साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लास्ट 3-4 सेशन से एक के लेवल को सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए 42,000 से लेकर 42,600, ये 600 पॉइंट के रेंज में फ्रॉम लास्ट 3-4, 6-7 सेशन यहाँ पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये इसका ये वाला लो, और ये लो निकल के आता है 42,062। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट दोस्तों, 42,062 से 42,072 ये जो रेंज है यहाँ पर अगर आपको मिलता है कल के दिन तो यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए, ठीक है। 42,072 यानी 42,000 से 42,100 ये 100 पॉइंट्स का जो रेंज है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एज पर डेटा राइटिंग ऑल्सो और एज पर चार्ट्स ऑल्सो दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे आपको मिलता है यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस है उनका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 41,980।
ये आपको स्टॉप लॉस लगा के आपको होल्ड करना है आपके लॉन्ग पोजीशंस, क्लोजिंग बेस तक वेट करना है। 42,300 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ही अच्छी है, या इसके ऊपर 42,500 के ऊपर 42,630 का जो मतलब हाई ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक कर सकता है यही वीक। और जिन्होंने शॉर्ट किया दोस्तों 42,100, ये आपका फाइनल टारगेट होना चाहिए क्योंकि वहां से सपोर्ट है, तो वहां से बाउंस बैक आ सकता है। तो जिन्होंने शॉर्ट किया वो 42,500 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे, और 40,100 जैसे आता है आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दोस्तों सिंपल है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिन्होंने निफ्टी में शॉर्ट किया है वो 18,200-18,250 ये 50 पॉइंट के रेंज में आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है, और आपका टारगेट्स रहेंगे 18,050 से लेकर 18,000, ये आपका निफ्टी में जिन्होंने शॉर्ट किया है, ठीक है। और लॉन्ग करना है आपको, जैसे 18,050 के लेवल्स में आते हैं तो आपको लॉन्ग पोजीशंस बनानी है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में आपको 42,500 का स्टॉप लॉस लगाना है जिन्होंने शॉर्ट किया है, और आपका टारगेट रहेंगे 42,000, ठीक है 100, ये आपके टारगेट्स रहेंगे। और जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस किया उनको 41,980 का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 42,500-42,600। जिन्होंने शॉर्ट किया लॉन्ग किया आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बता दिया, इस हिसाब से आप प्ले करेंगे आपको अच्छा प्रॉफिट्स होगा। बस जो इंट्राडे करते कल अगर गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको वेट कीजिए, ठीक है। 42,250 और 42,200 दो दिन से देखेंगे तो 42,200 का जो मेन सपोर्ट ले रहा है, तो 200 तक आता है तो आपको बाय करना चाहिए बैंक निफ्टी में। और जैसे 500 या 450 के पास जाता है तो आपको शॉर्ट करना है और वहां से सेल ऑफ आना है। तो सिंपल लेवल्स है, ये लेवल्स आप ध्यान रखिए, जैसे लेवल्स पे आता है तो आपको ट्रेड करना है। लेट्स से 42,450-500 टच करते तो आपको शॉर्ट करना है वहां पर पोजीशंस, पुट ऑप्शन लेना है। और जैसे 42,200 या फिर उसके नीचे आता है तो आपको बाय करना है, ठीक है। 42,200 पर 50 क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो, ठीक है, 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। और जैसे 42,100, 42,050 ये लेवल्स आता है तो पूरा जितना क्वांटिटी आपने सोचा था वो पूरा बाय करके आप होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना।